ये तो बहुत ही बड़ा एक झटका है, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द एंटायर पीपल ऑफ अरुणाचल। प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इस प्रकार का जो लीकेज हो जाता है तो पूरा मॉरल डाउन हो जाता है। आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस मैटर टू सीबीआई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार आया, बहुत सारा रिफॉर्म और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है इस बार कि हम लोगों का जो प्रीमियर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से जो एग्जाम में पेपर लीकेज का सिलसिला जो आया है, वैसे पुलिस तो अपना काम बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है, लोगों का अरेस्ट भी हुआ है, कमीशन ने भी अपना एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाया है, गवर्नमेंट की ओर से ऑलरेडी हम लोग ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, उसका रिपोर्ट भी वैसे विद इन 2 वीक्स में सरकार में सबमिट हो जाएगा। मगर ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार आया, बहुत सारा रिफॉर्म और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहते हैं कि अरुणाचल से करप्शन को गायब करना है। सरकार तो पूरा लगा हुआ है मगर किसी न किसी रूप में वो कहीं ना कहीं टपक जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी ये टपक किया, बहुत ही बड़ा एक झटका है, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द एंटायर पीपल ऑफ अरुणाचल। हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा कल का जो भविष्य है, वो लोग अपना फ्यूचर जो है, बहुत लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के आया तो एग्जाम दे के कुछ ऑफिसर बनेंगे या कुछ एम्प्लॉय करेंगे, अपना अरुणाचल गवर्नमेंट में राज्य को सर्विस करेंगे। प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इस प्रकार का जो लीकेज हो जाता है तो पूरा मॉरल डाउन हो जाता है, काफी मॉरल डाउन हो चुका है अभी, तो इसलिए इसका गंभीरता को देखते हुए हमने रिकमेंड दिस मैटर टू सीबीआई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, से जांच पड़ताल हो किस प्रकार से, और जो जो लोग भी इन्वॉल्वमेंट है पूरा अभी एकदम विद क्लियरिटी एकदम सीबीआई को, मैं यहाँ से आज ही मैं फाइल को अप्रूव करके यहाँ से मैटर को हम सीबीआई जांच के लिए मैं लिख रहा हूँ, ताकि पता चले और आने वाला दिनों में भी कोई हिम्मत ना करे कि हमारा प्रीमियर जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, वो ये दोनों प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी में किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो, लोग भी थोड़ा सा इसमें सीख ले। इसीलिए सरकार ने ऑलरेडी हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि इसको इस मैटर को हम लोग सीबीआई में आज ही हम लोग भेज देंगे। सर तो मैं अपील करता हूँ कि हमारा जो सरकार है, ऑलरेडी आप सबको पता है कि हम लोग करप्शन टॉलरेट नहीं करता है, और खास करके जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार का जो करप्शन होगा तो वो तो हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा, इसलिए उस मैटर को हमने सीबीआई में यहाँ से स्टेट से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। अभी बात है कि एपीसीएस का फ्यूचर क्या होगा, तो इंटरिम अभी इस पर रूल हम लोग अभी जल्दी से जल्द एक नया हम लोग अभी ये जो कमिटी का जो रिकमेंडेशन आएंगे उसका मुताबिक से हम लोग इसको जल्दी हम लोग फिर रिफॉर्म करके एक सेट करेंगे, और जितनी भी जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है वो भी फेयरली हम लोग कंडक्ट करेंगे, और जो भी एसओपी में जो कमियां था तो एज पर रिकमेंडेशन हम लोग अच्छे से उसमें हम लोग रेक्टिफाई हम लोग जरूर करेंगे, और कुछ लोगों का शायद इस एग्जाम में किसी का एज चला गया होगा, उसको भी डेफिनेटली कैबिनेट हम लोग रिलैक्सेशन करेंगे।